आज की वीडियो में उज्जवल जी बनाते हुए अपना साइकिल का टायर। ये लोग जानते हैं आज हमारे साइकिल का टायर पंचर हो गया था और हम लोग ऐसे ही निकले हैं सब्जी लेने के लिए। मतलब ऐसे ही ये जो पेड़ आपको है ना, बस ये मेरे घर से 10 मीटर भी नहीं होगा, 5 मीटर की दूरी पे है, फिर भी नहीं दिख रहा है इतना। तो है व्हाट्सअप ऑल गाइस, एक और नई वीडियो में स्वागत है आप सबों का। तो आज का जो वीडियो चालू हो रहा है एकदम सुबह सुबह, अभी अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock को चालू हो रहा है। और ये वीडियो आज का इसीलिए मैंने इतना सुबह सुबह स्टार्ट किया क्योंकि बहुत 3-4 दिनों से फॉग लग रहा था। मैंने आपको कभी फॉग दिखाया नहीं था यहाँ पे, कितना डेंस फॉग लगता है। इसीलिए आज मैं बस सुबह सुबह उठा हूँ आपको फॉग दिखाने के लिए। ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और ब्लैंकेट में से उठ के अभी हम अपने छत पे आए हैं। छत पे से आप देख सकते हो हमारे चारों ओर कितना घना कोहरा है, मतलब फॉग। ये देखो, आपको पीछे वाला कैमरा टर्न करके मैं दिखाता हूँ। पहले जो सामने आप खेत वेत देखते थे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, इधर देखो इधर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये घर देखने में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो टूटा सा घर था हमारे घर के बगल में। इधर पीछे जो पेड़, ये जो पेड़ आपको है ना, बस ये मेरे घर से 10 मीटर भी नहीं होगा, 5 मीटर की दूरी पर है, फिर भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा डेंस फॉग है। इधर देखो, और इधर हमारा पूरा इलाका नहीं दिख रहा है, इधर बस ये बगल वाला घर दिख रहा है और कुछ नहीं देख सकते हो। तो चलिए फिर अब हम भी चलते हैं अपने ब्लैंकेट में, वरना मार देगा ठंडा। ठंडी के दिन में अभी सुबह सुबह हम अपनी चाय और बिस्किट लेके बैठ गए हैं और इधर देखो फॉग ही फॉग है बाहर। तो हे गाइस, अभी सुबह सुबह चाय पीने के बाद ठंड के दिन में आप देख सकते हो अभी भी बाहर कोहरा ही है और हम लोग ऐसे ही निकले हैं सब्जी लेने के लिए। मतलब ऐसे ही, ऐसे कोई आवारा थोड़े जो ऐसे घूमते रहेंगे हर जगह अभी। लेकिन सुबह का 10 बज रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा फॉग है। आप देखो कितना ज़्यादा हाईवे पे फॉग होता है, आपको दिख रहा होगा। इसी वजह से हाईवे पे ठंड के दिन में काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, इस फॉग की वजह से। दूर तक आप जितना देखोगे फॉग ही फॉग, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट आपको नज़र आ रही होगी इसमें। और यही है वो सब्जी मार्केट जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं। आलू प्याज का रेट देखिए, आलू 80 रुपये पसेरी और प्याज 125 की पसेरी। बोलेगा आपने अभी जोक देवल गया इस पे, कितना हो गया 16 किलो 400। जोक ले वजन, जोक ले, हाँ हम भी अपना जोखेंगे। हटो तो हटो, तो हटो ना एक बार। हम कितना किलो के हैं? 62 किलो लगाए थे और देखो धंस गया है यहाँ पे पूरा। अब देखते ही निकलता है कि नहीं एक बार में। और अभी हम मार्केट से, वही है मार्केट, वहाँ से झोला, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया आने टाइम क्योंकि झोला में बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, 10-20 किलो के लगभग लगभग, उठ नहीं पा रहा था। देखो धुआं कितना फेंका कार पीछे से। आए, हाँ हाँ चलो फिर आओ आओ, जाओ ना पीछे, तो आदमी है। पूरा धुआं जो फेंक रहा है। जा 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 पीछे जा, पीछे जा, जाओ ना ठहर के जा, हो गया। तो हे गाइस, अभी अभी हम लोग वहाँ से आने के बाद सुबह सुबह देखो चाय के टपरी पे आ गए हैं। इधर रहा यही चाय पीने के लिए क्योंकि ठंड के दिन में आप कहीं भी जाओ और चाय नहीं पियो तो फिर मज़ा नहीं आता है ना, इसीलिए हमने अपना चाय पी लिया है। लेकिन चाय के कप को आप देख सकते हो ये पूरा खाली हो गया है। आपसे भी निवेदन है कि आप इसको रोड पे मत फेंके, अपने साथ लेके जाए अपने घर के आसपास, जहां आपका कूड़ादान होगा वहीं पे फेंके, मतलब डस्टबिन में। ऐसे अपने देश को गंदा मत करिए कहीं पे रोड पे फेंक के, क्योंकि एक आदमी बगल वाला गाड़ी का जो पी के जा रहा था वो ऐसे ही रोड से गिरा दिया चलते चलते, इसीलिए हमने ये आपको बताना ज़रूरी समझा। तो जैसा कि आप देख सकते हो अब हम भी अपने बच्चे की तरह हो गए हैं, अपने तरह का। आज दोनों तरफ का गाल का जो ये था दाढ़ी बियर्ड्स, उसको खुद से मैंने सेव कर लिया है, देख सकते कैसा हो गया पूरा। एक मिनट गाइस, आज की वीडियो में उज्जवल जी बनाते हुए अपना साइकिल का टायर, ये देख सकते हैं, ये रहे उज्जवल जी। ठीक है बहुत बढ़िया। हमारे चेतन जी भी बना रहे हैं पंक्चर को। क्या हुआ, पंक्चर बनवा रहे हैं? तुम कुछ बोलना चाहेगा क्या? नहीं बोलेगा आज, पूरा स्पाइडरमैन वाला ही ड्रेस पहना है। पीछे से मुड़ के दिखा दो, दिखा दिया आगे से भी, दैट्स इनफ। तो हे गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हमारे साइकिल का टायर पंक्चर हो गया था, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो हमने हर जगह ट्राई किया, कहीं नहीं बन पाया। तो हमने जानते हैं कैसे बनाया है, ये देखो हमने टायर को फेविक्विक से चिपका दिया। कहाँ गया? आज तक आपने कभी जीवन में अपने नहीं देखा होगा कि किसी ने टायर के ट्यूब को फेविक्विक से बनाया हो, तो हमने आज अपने टायर को फेविक्विक से जोड़ डाला।
जिससे यूनिक कॉन्सेप्ट, हर लोग मतलब कि कुछ होता है दुकानदार उसको जब सही नाम से बुलाता है उससे चिपकाते, बट हमने आज अपने टायर को फेविक्विक से ही चिपका दिया क्योंकि कल सुबह सुबह हम लोग फॉग में जाएंगे पूरा राइड में। और देख सकते हो यही है टायर, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। पहले तो हम लोग से खुल ही नहीं रहा था लेकिन बहुत मेहनत से खोले हैं। तो है गाइस फाइनली हमारा टायर बन गया है। हमने अपने टायर को यहाँ से आपको जैसा दिखाया वैसा हमने खुद से नहीं बनाया, हमें कैसे बनाने आएगा। तो हमने अपने टायर को वो तो ऐसे फेविक्विक डाल के आपको दिखा दिया था, बट हमने अपने टायर को यहाँ से खोल के अपने नज़दीकी मार्केट सराय में लेके गया, वहाँ पे दुकान वाले ने बना दिया, फिर यहाँ पे लाके बस उसको कस दिया। डालना था बस उसको, कुछ और करना नहीं था क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे उसको चिपकाने के और बनाने के, इसीलिए हमने उनके पास ले जाके उससे बनवा के लाया हूँ। तो अभी कल सुबह को हम लोग जाएंगे पूरा फॉग में राइड पे, पीठ हटा नहीं था हाथ, समझा ना, समझे। तो अभी फिलहाल मैं अपने साइकिल से आपको एक स्टंट करके दिखाता हूँ। तो हे गाइस अभी साइकिल राइड करने के बाद जैसा कि हमने आपको अपने कई सारे ब्लॉग में दिखाया है शाम में हम घूमने जाते हैं, तो घूम के आने के बाद उसके बाद अभी अपने घर आ गए और ऐसे ही बैठे हुए हैं। और आपको एक बात बता दें कि आज देखा आपने मैंने ये अपना पूरा सेव कर लिया, कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रहा है, पूरे उबले हुए अंडे की तरह चेहरा हो गया भाई लोग, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, आज के बाद मैं ये कभी नहीं करूँगा। तो आज रात को हम लोग जल्दी सोएंगे, कल सुबह सुबह हम लोग को उठना है, एकदम फॉग है कल, तो फॉग में जाके साइकिल राइड करना है और एक वीडियो बनाना है, इसीलिए हम लोगों को कल सुबह सुबह उठना है। तो आज तो जल्दी सोएंगे, तो आप लोग नीचे वाला ललका बटन दबाई दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।